ये सब उनके स्पोर्ट्स का मटेरियल है। तो इसमें क्या क्या है? इसमें क्रिकेट के बैट है और उनके टेबल टेनिस के बैट्स हैं, क्योंकि चैंपियन थे वो। उनके खुद के? हाँ, ये उनके खुद के हैं, ये उनके खुद के सारी चीज उनके खुद की है। बैडमिंटन रैकेट, सब सब उनके खुद के स्क्वाश के हैं। और बाकी ये जो देख रहे हैं, ये उनका डिफरेंट मटेरियल है उनका सारा। और ये मॉर्टर का शेल है, दुश्मन वहाँ से मार करते हैं। ये काफ़ी हैवी है और ये एम्प्टी शेल है, बारूद नहीं है इसमें, ये खाली है। यूज्ड है? हाँ, यूज्ड है, ये यूज्ड है। वो भी यही चीज़ है, वो छोटा है बहुत। हाँ, ये स्मॉल वन, तो ये भी यूज्ड है, वो एम्प्टी शेल है, ये एम्प्टी शेल। तो बाकी तो आप देख रहे हैं, ये सब उनके प्राइजेज हैं स्कूल और कॉलेज टाइम से। ये सारी अलमारी उनके प्राइजेस हैं, ये परे वाले भी सारे उनके नीचे प्राइजेस। तो ये सारे के सारे नाम जी स्कूल टाइम के, स्कूल और कॉलेज के भी, ये सब कॉलेज टाइम के। ये मतलब इसमें कोई आर्मी वगैरह का नहीं है अभी? इसमें आर्मी वगैरह का नहीं है, सब इनके कॉलेज और स्कूल के, स्कूल और कॉलेज टाइम के। हाँ, सब स्पोर्ट्स के प्राइजेस हैं उनके, और कुछ हॉस्टल में रहे, एनसीसी में रहे हैं तो उनके एनसीसी वगैरह के प्राइजेस हैं। ये ऊपर भी उनके प्राइजेस हैं, शील्डिंग विल्डिंग का देख रहे हैं, ये सारे स्कूल। हाँ, ये सब उनके स्कूल कॉलेज के टाइम के प्राइजेस। वो नहीं, वो तो पड़े, ये दिस वन, दिस इज ओके। ये भी उनके सारी स्कूल, ये भी उनके प्राइजेस हैं, ये भी उनके प्राइजेस हैं, सब ये सब उनके प्राइजेस हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप। मोटी ईयर भी लिखा हुआ, हम भी ईयर लिखा 1990। हाँ, ये सारे उनके, तो ये सब उनके प्राइजेस हैं। हाँ, फर्स्ट प्राइज। और तो इसी तरह से बाकी ये ऑनर्स वगैरह हैं दिए हुए जो लोगों ने, ये पंजाब हिमाचल केसरी उनको ऑनर दिया गया, ये डी ए वी कॉलेज की तरफ से दिया गया। ठीक है, इस तरह से ये विक्रम भद्रा कॉलेज से दिया गया। तो ये सारे जो है ये प्राइज है। और ये चीज़ क्या है? और ये ज्ञाति टाइप है। ठीक है, तो ये उनको रास्ता बनाने के लिए कई बार जो है वहाँ पर स्नो काटने काटने के लिए, तो ये उन्होंने खुद जो है ये उनका यूज कार के ऊपर। हाँ, ये उनका अपना, जब पहाड़ों में चलते हैं बर्फ वाले पहाड़ों में, तो इससे वो काट काट के बना लेते हैं अपना। ये सारे तो ये सारे उनके प्राइजेस हैं वो आप देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज एन सी सी के हैं। हाँ, स्कूल कॉलेजेस के हैं सर। ठीक है, हाँ। तो और भी बहुत था, बल्कि एक ही गन नहीं थी, दो तीन गन से। और तो सारी इतनी बड़ी बड़ी थी ये आजकल? हाँ, कुछ बड़ी कुछ छोटी हिस्सा होंगी। और ये जो है एंटी एयरक्राफ्ट गन है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को मार कर, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को मार कर। यस, ये भी सेम है। हाँ, ये सेम है, ये सारे अलग अलग पोज में है विक्रम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट पोज में यहाँ पर उठाया हुआ है वो गन वगैरह कुछ। और ये इनका जब सीनियर अंडर ऑफिसर थे, ये एन सी सी एयरफोर्स में थे, और सीनियर अंडर ऑफिसर ये कॉलेज की फोटो, ये कॉलेज की फोटो। तो बाकी ये तो मुझे ऑनर किया था जनरल साहब ने, मलिक जी। हाँ, जनरल मलिक ने मुझे ऑनर किया था। तो कहें ये बाकी सब जो आप ये देख रहे हैं, ये सब जो है ये डिफेंस वालों ने और कुछ सिविल वालों ने, जैसे ये डिफेंस का है। ठीक है, और ये भी डिफेंस के हैं, ये जो पड़े हैं ये भी डिफेंस के हैं, ये सब डिफेंस के हैं, ये भी डिफेंस। हाँ, ये सब डिफेंस के हैं। और ये जो है ये डिफेंस के, ये भी डिफेंस के ही है, जैक राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर। अच्छा, ये जनरल जोरावर सिंह, जनरल जोरावर सिंह। तो उन्होंने ये विक्रम भद्रा जी को, ही इज जस्ट लाइक ए फादर ऑफ द जम्मू कश्मीर राइफल्स। ओह, फादर ऑफ जम्मू कश्मीर राइफल्स। ठीक है, इनका स्टार्ट किया हुआ था ये महाराजा हरि सिंह के टाइम में, ये जनरल थे महाराजा हरि सिंह। जब जम्मू कश्मीर के जो राजा थे महाराजा हरि सिंह, उनके ये जनरल थे, और यहीं से इनका ये जो है जम्मू कश्मीर राइफल्स जो रेजिमेंट शुरू। ठीक है, तो ये सब आप देख रहे हैं, ये सब ऑनर्स हैं ये हुए लोगों ने, कुछ डिफेंस के कुछ सिविल लोगों ने दिए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये उनका ऑफिसर्स ड्रेस में है ये फोटो, और ये फोटो से फोटो निकाला हुआ है, तो काफ़ी डर ड्रेस है। और तो ये जो उनकी कैप है, हाँ, ये कहाँ पे है? ये दोनों में से एक होगी, ये वाली है या उधर जो आपने दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, निकाल के देखिए। तो मतलब ये वाली कैप है जो उन्होंने वो उस फोटो में डाल पहनी हुई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली कैप।
ये ऑफिसर्स कैप यही होती है, इसके सामने सूट होता है पूरा। हाँ ये बिल्कुल मिल रही है, पूरा सूट होता है, कोट पैंट टाई एक्सेट्रा होते हैं, शोल्डर्स पर इनके वो होते हैं बैजेस वगैरह होते हैं शोल्डर्स में। और ये सारी उनकी बिलॉन्ग, ये उनका ट्रांजिस्टर है, उस समय भी जो है ये नहीं होते थे मोबाइल, तो ट्रांजिस्टर किस काम के लिए होता था? गाने सुनने के लिए रेडियो, रेडियो रेडियो टाइप, हाँ ट्रांजिस्टर रेडियो। तो सैटेलाइट से चलता था ये? नहीं, ये सेल से ही चलता है, बैटरी से। क्या था ये मर्चेंट नेवी का नीचे वाला, ये वाइट, ये उनकी मर्चेंट, हाँ ये उनकी मर्चेंट नेवी की है, बिल्कुल वाइट होती है, थोड़ा महंगी हो गई है, ये समय बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। हाँ तो और ये मर्चेंट नेवी वाला ही था, ये उनका नहीं, ये आर्मी का है, ये आर्मी का है, ये स्टार, वो एनसीसी कैप है मेरा ख्याल है, ये वाली एनसीसी। हाँ नहीं, ये तो ये कई बार वैसे लगाते हैं ना, सिंपल ड्रेस में जब होते हैं तो लगाते हैं, या वो जो कॉम्बैट ड्रेस डालते हैं कई बार तो वैसे डाल लगाते एनसीसी की, ये वाली एनसीसी की, ये वाली, ये मेरा ख्याल है। हाँ जी, ये कॉलेज टाइम की है, ये उनकी कॉलेज, ये उनकी कॉलेज टाइम की है। तो बाकी भी आप देख रहे हैं कि ये घड़ी उनकी, ये घड़ियाँ उनकी हैं, उस टाइम की हैं, 20-25 साल पहले की। ये बंद है इस वक्त, हाँ 4875 कैप्चर किया, तो ये सारी चीज़ें इसमें लेती जाती हैं। और ये जो है, ये आप देख रहे हैं कि ये उनका जो है, ये बिल्कुल न्यू कैप है, ये जब आया था ये जी, तो ये और ये फ्लैग, ये फ्लैग जो है नेशनल फ्लैग, ये जब उनकी डेड बॉडी जब आती है तो उसके ऊपर ये कवर होता है, और वो लोग आकर के माता पिता को, और ये कैप है, अंतिम कैप है उनका, अंतिम कैप है ये, ठीक है। और ये है, तो इसको हमें हैंड ओवर, पंजाब हरियाणा हिमाचल का जो एनसीसी डायरेक्टरेट है चंडीगढ़ में जी, उस डायरेक्टरेट का नई बिल्डिंग जो बनी थी, हाँ जी, तो वो नई बिल्डिंग का जब उद्घाटन किया था वहाँ के जो राज्यपाल हैं पंजाब के जी, तो वो यहाँ पर हैं, और हमें भी निमंत्रित किया गया था, तो ये उसका डायरेक्टरेट का है ये। तो बाकी ये उनकी हमने मंगा के रखी है उनकी, और एक राखी नॉब उन्होंने कैप्चर किया है, एक हम्प कैप्चर किया है, वो बीच रास्ते में पड़े हैं जी, जब वो 5140 पर जा रहे थे तो रास्ते में वो बीच बीच में, तो वहाँ पर भी इन्होंने मारे हैं दुश्मन को, दुश्मनों को मारा है, हाँ जी, वहाँ पर भी दुश्मनों को मारा है, वहाँ पर तो उसमें जो है क्लोज फाइट में मारा है, क्लोज फाइट में मारा है, और वहाँ से कुछ घायल भी हुए हैं, 8 मरे हैं, 8-10 घायल हुए हैं, बाकी जो है वो, तो ये जो ये बत्रा टॉप है, ये बत्रा टॉप की जो सॉइल है, वो सॉइल हमने ला करके यहाँ रखी है, ये हमारे लिए बड़ी पूजनीय है और वैल्यूबल है। इसी तरह से ये 5140 की है, वहाँ से ये मंगवाई थी, तो जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया देश के लिए, उनके साथ में विक्रम जी को भी रखा है इसमें, जो है आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी हैं, राकेश शर्मा हैं जो एस्ट्रोनॉट हैं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, राजीव गांधी महात्मा, वो शायद पोस्टर है बेटा, वो पोस्टर है पीछे, ये बैठे हैं राजीव गांधी, हाँ जी हाँ जी, है ना, तो वो पीछे फोटो लगी और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी किया, तो इस तरह से ये है। जब विक्रम जी ने वो कैप्चर भी कर लिया था 5140, तो बरकत दत्त के साथ भी उनका इंटरव्यू हुआ था, जो एनडीटीवी पे आया, एनडीटीवी पर आया, जो ये पहला इंटरव्यू था, जो पहला इंटरव्यू था, ये पहला इंटरव्यू था, और ये ऑल इंडिया के जितने भी न्यूज़पेपर हैं नेशनल लेवल के और रीजनल लेवल के, सभी में ये की जो इंटरव्यू छपा था, फोटो भी आई थी और इंटरव्यू भी छपा था। ये जो ड्रेस देख रहे ना, ये ड्रेस जो है, ये इनकी ऑफिसर्स ड्रेस होती है, ऑफिसर्स, इसमें कोट पैंट टाई सभी चीज़ें होती हैं, और साथ में कैप होती है, ये जो है ये शोल्डर्स पर लगते हैं, यहाँ पर लगते हैं, टाई भी होती है इसमें, ये इसमें शोल्डर्स में डाले जाते हैं, ठीक है, बादशाह में, और ये उन्हीं की टाई है, ये उन्हीं की टाई है, ड्रेस के साथ की टाई, ड्रेस के साथ मतलब इसे वो, ये आप जो देख रहे हैं ये कोट है, ये कोट है, ये कोट है, ये नीचे पैंट है, पैंट है, है ना, तो ये ड्रेस वो पहना करते हैं, ये ड्रेस जब उनकी मीटिंग्स होती हैं, जब उनके कार्यक्रम होते हैं, जब उनके ऑफिसर्स आते हैं तो या ऑफिस में होते हैं, तो ये ड्रेस डाली जाती है। और ये जो है, ये कुछ मेरा ख्याल है कि कुछ पार्टीज वगैरह ऐसी वैसी होती हैं तो उसमें डाली जाती है, इसमें देख रहे हैं आपने कितना बढ़िया वर्क किया, बहुत बढ़िया वर्क किया है ना, तो ये उस समय डाली जाती है।
और ये खास अब हर एन के जो ओकेजन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स में ये जो हाँ ये आप इनका जो इनके जो ये सारा हैंडमेड है ये सारी कढ़ाई की हुई है। और तो बाकी ये जो है ये होती है कि कॉम्बैट ड्रेस, ठीक है, तो ये फील्ड में डाली जाती है और ये बेल्ट भी है साथ में, ये उनका बेल्ट है, ये एक बेल्ट है जो पहना करता है। और ये इनके जो है रेजिमेंट का जो निशान है, हाँ जी, वो ये उसका सिंबल है। और ये जो है कॉम्बैट ड्रेस, ये कॉम्बैट ड्रेस है, ये फील्ड में डालते हैं इसे वॉर के टाइम पे या वैसे भी फील्ड में, मतलब अपना इधर उधर जब कैंपस में है या कभी डालने की जरूरत हो, क्योंकि ये ड्रेस तो हमेशा नहीं डाली डाल सकते, तो ये कॉम्बैट ड्रेस होती है, वैसे कॉम्बैट ड्रेस बोलते हैं इसको। और ये जो है ये बुलेट्स का जो है एक कंटेनर है, तो इसमें बुलेट्स डाल के और जो है ये यूज होता है, ये बांध दिया जाता है ये उसमें जो ऐसे मूवीज में भी दिखता है। तो ये एम्प्टी है, ये यूज है, इसमें बुलेट्स नहीं है, यहाँ पर गोली होती है, बुलेट्स इसमें। और ये उनकी स्वेटर, ये उनकी जर्सीज हैं, तो और बाकी वो नीचे वाइट जर्सी देख रहे हैं, वो तो खेलने के टाइम डालते हैं वो लोग, हाँ ये स्पोर्ट्स के लिए होती है और बाकी एक्सरसाइज के लिए होती हैं, ये टी शर्ट वगैरह, ये भी उनका स्कार्फ है मेरा ख्याल है, तो कई बार स्कार्फ भी डालते हैं लोग, टाई में डालनी हो तो हाँ देखो खोल कर देखिए, हाँ ठीक है ठीक है, स्कार्फ जिसको गले में डाल, बिल्कुल हमने देखो कई लोगों ने डाला, बिल्कुल इसमें उनकी वो एनसीसी वाली फोटो में भी दिखाई है, हां यस यस यस, पर ये पर्टिकुलरली आर्मी वालों का ही है वो एनसीसी वाला, हां। और ये जो ब्लू वाली ड्रेस, ब्लू वाली ड्रेस ये इनका मेरे को ट्रैक सूट होगा या फिर खेलने के लिए, हां ट्रैक, क्योंकि एक्सरसाइज के लिए और ड्रेसें डालते हैं वो, खेलने के टाइम में और डालते हैं, तो वो उनका ड्रेसेस का काफी अलग अलग मौके पर अलग अलग ड्रेसें होती हैं सर डिफरेंट टाइम्स। और ये बाकी ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारे उनके जो ऑनर्स दिए हैं लोगों ने, कुछ डिफेंस वालों के भी हैं इसमें, कुछ सिविल सोसाइटीज़ के हैं, इस तरह से बहुत सारे जो सभी ऑनर्स दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं उनकी चीज़ें हैं, इसमें कुछ आर्मी की भी हैं, जैसे ये चीज़ें आर्मी की हैं सारी, ये उनका जो इनके जो रेजिमेंट का निशान है वो है, ये इनका जब लगाया जाता है पॉकेट में यहाँ पर, बिल्कुल। और ये आई एम ए के टाइम पर, ये इनके आई एम ए का है, ये विक्रम बत्रा ये इनका ड्रेस है, ये उनके उनकी मिसल, ये मिसल है, और ये भी उनका ही है, ये भी लगाया जाता है कहीं पर ड्रेस में, कॉलेज टाइम का है, उनकी कॉलेज कॉलेज टाइम का। तो बाकी उनकी चीज़ें हैं ये डिफरेंट डिफरेंट, तो हाँ तो उसको खोले, ये उनका ये उनका ब्रेसलेट, ये ब्रेसलेट सॉरी नेकलेस, हाँ नेकलेस, और ये कड़ा भी उनका, ये कड़ा भी मैं कड़ा डालता था तो वो भी कड़ा डालते थे मेरा थोड़ा हैवी चल रहा है जी। और बाकी वो टॉर्च रखी है उनके, ये उनकी टॉर्च है आर्मी टाइम की है, हाँ ये उसी, ये सारा सामान ही उनका है आर्मी टाइम का। तो नीचे उनके ये कुछ खेल जो होता है क्या बोलते हैं इसको, ये दिस वन रूबिक्स क्यूब, हाँ तो ये रूबिक्स क्यूब यहाँ करते थे, ये घड़ी नहीं है, ये एक किस्म का कंपास है, ओ कंपास है, हाँ एक किस्म का कंपास है, कुछ शोज देखिए खुल जाता है शायद, पुराने हो गए ना, इस वजह से कुछ पत्ते बंद हो गए हैं, इसके अंदर भी पीवीसी मेडल हमने चुकी उधर शोकेस में लगा दिए, और ये जो सारा इसमें बाकी तो ये उनकी और चीज़ें हैं अलग अलग, हम देख रहे हैं ये तो ब्रश है, ब्रश है काफ़ी कुछ पड़ा है, काफ़ी कुछ है। तो
तो इसके अलावा आपके पास ये उन्होंने जब वो रिप्रेजेंट किया था ये उठा ये कलर ये आप देख रहे हैं ये तो बहुत है वो ठीक है तो ये उनके माथ कर देंगे जो बजाया करते थे वो चार पाँच सॉन्ग्स उन्होंने तैयार रखे रखे हुए म्यूजिक में भी मतलब काफ़ी शौक हाँ म्यूजिक का शौक था और वो जब चलते थे कार में तो वो इंग्लिश कंट्री सॉन्ग लगा सकते ये उनकी क्लास ये उनके टाइम का ही है मेरा जीरो क्लास हो गई जीरो क्लास और ये उनका ये हाँ खाली हो गया हाँ तो वो रखा हुआ हाँ जो जो चीज़ें हम दीदी हमने सही नहीं है दीदी रखी हुई है बटर ओपनर भी है हाँ ये बटर ओपनर है और बाकी ये उनका वॉलेट ये उनका वॉलेट है अच्छा मैंने उनके हर एक मैं देखा था कि वो करेंसी का कलेक्ट करने का शौक था वो अपनी हर एक डायरी में या वॉलेट में भगवान की फोटो जरूर हाँ तो वो आपने सिखाया था उनको कुछ संस्कार होते बेटा घर का वातावरण जो होते हैं ना बड़ा असर करते हैं तो हम जिस घर में पूजा पाठ होता है और संध्या की जाती है ये मॉर्निंग में तो वो संस्कार जो है बच्चों में होते हैं वो उस चीज़ में बिलीव करते हैं फिर उसको फेथ बनती है उनकी तो ये जो है ये सब उनका है ये भी उनकी है ये शंख ये हाँ शंख इसको कौड़ी कहते हैं वैसे कौड़ी कौड़ी ये किसका और ये एक ऐसे एक शो पीस समझ में शो पीस ही है शो पीस और ये उनके स्लिंग बैग हाँ ये उनके स्लिंग बैग और ये सारी डायरीज ये उनकी डायरीज हैं कुछ वो लिखते थे महान पुरुषों के कुछ कोटेशन लिखते थे कुछ अपने भी लिखते थे जो विचार उनको आते थे वो लिख देते थे तो वो हैं बाकी ये कॉइन्स कलेक्शन करते थे तो कॉइन्स पड़े हैं और ये कैसे डिफरेंट कंट्रीज के ये उनके कैसे तो बहुत है नीचे भरमार है हाँ इंग्लिश के ही हैं ज़्यादा इंग्लिश के ज़्यादा हैं और कंट्री सॉन्ग्स जो हैं इंग्लिश के वो गा भी लेते थे गा भी लेते थे वो तो ये भी सारी उन्हीं की जो करेंसी वो कलेक्ट करते थे ये डिफरेंट कंट्रीज के हैं जो भी करेंसी ये पैरिस की काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज की है काफ़ी कंट्रीज की तो वो नोट्स भी मतलब कॉइन सब कलेक्ट करते थे वो हाँ वो नीचे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे पड़े हैं हाँ हाँ डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज और हमारे टाइम में भी यो यो आया करते थे हाँ ये वही चीज़ है ये स्कूल टाइम के ये स्कूल टाइम के किटकैट के आते थे हाँ हाँ ये सारे उनको कॉइन का कलेक्शन का हॉबी था उनका कॉइन कलेक्शन भी करते थे स्टैम्प कलेक्शन का भी उनका हॉबी था डिफरेंट कंट्रीज के स्टैम्प्स देखिए ये है आपका ये किस चीज़ का है ये विक्रम बत्रा अंडर 15 1991 का है ये किस चीज़ का है ये पार्टिसिपेंट का है वैसे तो सारे उनके मैक्सिमम फर्स्ट हाँ फर्स्ट पोजिशन के हैं मैक्सिमम मिक्स डबल्स ये टेबल टेनिस मिक्स डबल्स डबल्स ये पार्टिसिपेंट ये उनकी केंद्रीय विद्यालय की टेबल टेनिस की स्लिप 1990 की उस दिन कुछ हमने रखे थे आप लोग जी सर्टिफिकेट्स मतलब उन्हें काफ़ी ये बहुत चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन मतलब ये तो काफ़ी पुरानी जो भी इट्स 10 to 12 ईयर्स हाँ 10 to 12 ईयर्स मतलब छोटे से 1987 की हाँ इसमें भी फर्स्ट हाँ ज़्यादा फर्स्ट कहीं हैं आप देखेंगे अभी अभी टेबल टेनिस सिंगल्स हाँ ये भी फर्स्ट हाँ इधर भी फर्स्ट फर्स्ट पोजिशन ऐसे राइटिंग अच्छा ऐसे राइटिंग का भी काफ़ी शौक हाँ हर चीज़ में वो सभी चीज़ों में चाहिए सभी चीज़ों में अच्छा इधर ये इतने इतने सर्टिफिकेट से सारे और पढ़े हैं हाँ ये तो आप देखेंगे ज़्यादा फर्स्ट पोजीशन के ये प्रथम प्रथम इधर भी प्रथम इधर भी प्रथम फिर से प्रथम प्रथम
बताया ना, वो चैंपियन थे, वो चैंपियन थे बचपन से ही। तो फिर इन्होंने नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट किया ना नेशनल में, पोजीशन नहीं थी कई बीच में, एक दो जगह पर सेकंड भी है, इसमें भी प्रथम। मतलब मैक्सिमम टाइम प्रथम ही होते थे। और कोई कोई है जिस बीच में देती वाला, अदरवाइज जो है प्रथम। और ये सारे स्कूल टाइम कॉलेज टाइम, ये सारे स्कूल टाइम के हैं। अच्छा, ये सारे हैं ही स्कूल टाइम के, ये सारे स्कूल केंद्रीय विद्यालय। बल्कि इसमें उनके कराटे वगैरह के भी थे, वो पता नहीं। ये भी कॉलेज चंडीगढ़, ये आई कार्ड होगा इनका, आई कार्ड होगा, आई कार्ड। उनका इसमें एक ड्राइविंग लाइसेंस भी था। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस भी था, ड्राइविंग लाइसेंस था, तो जिम का कार्ड भी था, जिम का कार्ड भी था। हाँ, पर वो शायद मिसप्लेस है। कुछ इनके पेपर्स और भी दूसरी जगह, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, हमने और जगह भी पढ़े हैं कुछ पेपर्स, तो शायद वो इसमें नहीं है। किसी ने मास्टर लिखा है कार्ड, टू मास्टर विक्रम बत्रा, पूरा जो एड्रेस भी लिखा है। हाँ, ऐसे तो बहुत कार्ड आते थे हमको, इसमें जो लेटर भी हैं जी। और ब्लेसिंग्स, जो निकनेम था LUV लिखते थे, LUV लव, एक मुझे कहता मैंने LU लव इज लव, LUV इज LOV। हाँ, वैसा भी लिखा करते थे। हाँ, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये वीर सावरकर मेडल है, ये महाराष्ट्र में दिया जाता है नेशनल लेवल पर। और ये रेजिमेंटल मेडल है जो कि रेजिमेंट जम्मू कश्मीर राइफल्स देता है। ये बैच ऑफ सेक्रीफाइस है, बैच ऑफ सेक्रीफाइस बोलते हैं इसको। ये जो वहाँ पर महानायक हुए हैं, नायक हुए हैं, जो शहादत देते हैं, उनको ये दिया जाता है, उनके पेरेंट्स को। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये कारगिल सेना मेडल है, और ये स्पेशल सर्विस मेडल है। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये परमवीर चक्र मेडल है, जो हाईएस्ट गारंटी अवार्ड है कंट्री का, कंट्री का। इससे ऊपर कोई मेडल नहीं, इससे ऊपर कोई मेडल नहीं। हाँ जी, ये परमवीर चक्र जो मेडल है, ये 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, तब से लेकर आज तक जो है 21 परमवीर चक्र लोगों को जो प्राप्त हुए हैं। परमवीर चक्र 21 अभी तक टिल डेट